ब्लॉकिंग कर लिया उन्होंने, मतलब दो दफा हुकूमत आई है ना उनकी, आई है लेकिन अब नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं अब नहीं आएगी, 100% अब नहीं आएगी, क्योंकि वो मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो उसको कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, जो कांग्रेस को, वो जो सोनिया गांधी का जो बेटा है उसको पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनकी हुकूमत आती क्यों नहीं है, सोनिया गांधी की हुकूमत भी तो हिंदू हुकूमत ही है ना, अब उसी की आएगी, जितने इसने मजालिम वहाँ पे ढा दिए हैं अब उसी की हुकूमत आएगी, चंद मुसलमान होंगे, ज्यादातर मुसलमान तो उसके खिलाफ है, उसके साथ मुसलमानों को और ईसाइयों को, किसी को तो उसने छोड़ा नहीं है, हर किसी को तो उसने वहाँ पे कत्लों गारत और कर रहे हैं वो, और जो इंतहा पसंद हिंदू है वो उनको तंग करते हैं, आयरोस तंग करते हैं। तो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, ये तो ऑफिशियल लेवल पे बात करें, यहाँ आवाम का क्या हाल है, आवाम बेचारी भूखी मारी सड़कों पे आ गई, और क्या हाल है आपका? दोस्तों आपके इलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय पाकिस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके मोदी जी चुनाव हार जाए और राहुल गांधी चुनाव जीत जाए। वहीं दोस्तों पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा था कि मोदी जी कभी अब चुनाव नहीं जीतेगा, मोदी जी आने वाले 100 साल में भी कभी अब चुनाव नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों सुनते हैं इनकी बातें, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर। दिखा दूं कि वहाँ के मुसलमान वहाँ कितने खुश हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मुसलमान हम तो रोज देखते हैं खबरों में, उधर तो कभी ईसाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, कभी मुसलमानों पे कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, तो कैसे उनके साथ हो सकते हैं? ऐसे भी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाते नहीं, ये आपको भी पता, आप इंटरनेशनल आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ तरक्की कितनी हो रही है। देखिए अगर वहाँ के लोग इतने ना खुश है तो वो माइग्रेट क्यों नहीं, वो चले क्यों नहीं जाते बाहर के ममालिक में? मुसलमानों की तादाद वहाँ क्यों बड़े करोड़ों में है, लाखों में नहीं है वहाँ मुसलमान? दुबई वगैरह में और दूसरे ममालिक में जहाँ पाकिस्तान ज्यादा है वहाँ पे इंडिया के भी हैं, और फ्रेंड्स वीज़ा मिलता ना उसको, हर जगह पे दुबई में है, सब जगह के गए हुए मुल्कों के, तो इंडिया मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान उनकी सपोर्ट करेंगे। दो दफा कैसे विन कर लिया उन्होंने, मतलब दो दफा हुकूमत आई है ना उनकी, आई है लेकिन अब नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं अब नहीं आएगी, 100% अब नहीं आएगी। आपको कैसे पता? हम देख रहे हैं ना मुजालिम, देख रहे हैं उनके, कौन से मुजालिम, मुझे भी तो दिखा दे। तो रोज इसमें खबरों में देखते हैं वो, हर जगह कश्मीर में देख लें कितने मुजालिम उन्होंने करे हुए हैं, उधर गुजरात में और हर जगह। कश्मीर से खबर आई है इलेक्ट्रिक बसेस की, वहाँ से खबर आ रही है, वहाँ से तो ब्रिज बना रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी स्कूल बना रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, आप क्यों नहीं सही खबरें देखते? नहीं हम तो जो देख रहे हैं हमें तो वही बता रहे हैं। आप वीडियो फॉलो करते हैं, आप कौन सा मीडिया फॉलो करते हैं? जियो और इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करें? नहीं हम तो यहाँ लोकली देखते हैं, उसी में सारी खबरें आ जाती हैं। इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें, BBC और वो देखते हैं लेकिन वो थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर अपने चैनल देखते हैं। देखिए ना पाकिस्तान से इंडिया हर लिहाज से आगे है, तो जाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान में तो आप देखें वुमेंस को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए तहफ़ुज, लेकिन वो इंडिया है ना वहाँ पे तो मिलेगा जाहिर है, और तहफ़ुज नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता जहाँ तक मुझे पता है ना, आइडिया जहाँ तक मुझे नहीं मिलता। एक लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेफ नहीं होती, अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे उसके साथ आँख मटाका लाजमी करेंगे, वाओ यार ये तैयार होकर जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है, ठीक है। और सेकेंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जितना मुझे आइडिया है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया? बहुत ज़्यादा किया है जाहिर है, बहुत ज़्यादा किया है, तो वहाँ पे ये माहौल है ना, पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अभी तक क्या लॉ बनाया गया विमेन को आगे बढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं है अभी तक, कोई भी लॉ नहीं आपको नज़र आया? नहीं कोई लॉ नहीं, नो। अच्छा आप मुझे ये बताएगा कि उनकी औरतें वहाँ पर कितना एम्पावर है, कितना आगे बढ़ चुकी हैं हमसे? वो हर लिहाज से हमसे आगे जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया अपनी कंट्री के लिए? बहुत ज़्यादा किया है। देखिए ना वहाँ पे ना एक ही प्राइम मिनिस्टर है और मोदी, और यहाँ पे देखें आप हर साल तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, कभी फ्लॉ आ गया कभी फ्लॉ आ गया, दूसरे मुल्कों के सामने खुद में जाग बन के रह गया पाकिस्तान, तो इसने क्या काम करना है? नो, इसने क्या काम करना है? ना कुछ भी नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा, कुछ भी नहीं करना उसने, मेरे लिए वो अच्छे लीडर है, हीरो हैं। क्यों? पाकिस्तान से तो वो बहुत बड़ा है ना, पाकिस्तान से बहुत बड़ा, लेकिन क्या बड़ा कंट्री होगा तो वही तरक्की करेगा? नहीं नहीं नहीं, आप देखें आप डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, चाहे वो एक क्लासरूम है चाहे वो पूरा स्कूल है, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन है, तो वो उसको डिसिप्लिन मैनेज करना आता है, तो इसको डिसिप्लिन मैनेज नहीं करना आता, इसलिए नहीं करना आता मैनेज, नहीं करना आता। क्यों? हर साल तो ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहता है, हम कैसे चेंज करेंगे, क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप भी? ये तो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, ये तो ऑफिशियल लेवल पे बात करें, यहाँ आवाम का क्या हाल है? आवाम बेचारी भूखी मारी सड़कों पे आ गई, और क्या हाल है आपके सामने ही है? और इसराइल ये सब उसे सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? इस इंडिया को, पाकिस्तान के साथ अब कोई भी ममालिक कितना नहीं है, चाइना से सपोर्ट करता है, और रशिया और ईरान इसी की सपोर्ट है। दूसरे नंबर की इकॉनमी है हमारे साथ, दूसरे नंबर वाली इकॉनमी है ना चाइना, इतने सालों से फिर भी हम तरक्की नहीं कर पाए। अभी देखें वो लोग तो जिन ममालिक का आपने साथ लिया, आपने नाम लिया ना अमेरिका इसराइल, उनको आंखें दिखाता है भारत जी, वो बस हमारा ये है ना कि यहाँ करप्ट सियासतदान है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, अगर ये सही हो जाए ना सियासतदान
तो हमारा पाकिस्तान भी बहुत तरक्की करे, जैसे बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और वो पहले तरक्की कर गया, इसी तरह और भी मलेशिया वगैरह और दूसरे वो तरक्की कर गए, हम सिर्फ इसी वजह से पीछे रह गए हैं कि यहाँ करप्शन। अब देखिए लोड शेडिंग का बड़ा मसला, हर घंटे बाद लाइट, सर्दियों में क्या हाल है, गर्मियों में क्या हाल होगा। लेकिन सर यहाँ बात यह कि हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री के लिए काम नहीं किया, फिर मुस्लिम औरतें ही उनको इतना प्रेफर कर रही हैं। सही बात है, हालांकि वहाँ भी करप्शन है पर फिर भी उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की की है और हर चीज़ वो बना रहे हैं, हमारे ये हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम अपनी वो कर ही नहीं बनाई। दोस्तों पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि भारत का भला हो, इसलिए पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके मोदी जी चुनाव हार जाए और राहुल गांधी चुनाव जीत जाए, ताकि भारत के हालात भी पाकिस्तान के जैसे हो जाए। दोस्तों पाकिस्तान के अधिकतर लोगों का मानना है कि भारत के मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं डालते हैं, मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि भारत के बहुत से मुसलमान मोदी जी, योगी जी और मोदी जी की सरकार को सपोर्ट करते हैं और वोट भी डालते हैं। दोस्तों भारत के अधिकतर लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जी पदार्पण के योग्य नहीं है और ज़्यादातर लोग राहुल गांधी जी का मजाक बनाते रहते हैं, उनकी वो छवि नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। पाकिस्तान के लोग कितनी ही दुआ मांग ले पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, मोदी जी फिर से चुनाव भी जीतेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।